हेलो दोस्तों, मैजिकल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 के विजेताओं की उद्घोषणा की गई। पिछले वर्ष कोरोना वायरस महामारी के कारण यह कार्यक्रम 22 मार्च 2021 यानी आज संपन्न हुआ। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 3 मई को मनाया जाता है, लेकिन आज देश की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम को मनाया गया। इसमें फीचर फिल्म कैटेगरी में 461 फिल्में और नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में 220 फिल्में नामित की गईं, जबकि मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट की कैटेगरी में 13 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया। इसमें मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम रहा है और बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवार्ड जो है सोहिनी चट्टोपाध्याय को मिला है। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा एक गांधीयन अफेयर इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेयल ऑफ लव इन सिनेमा बाई संजय सूरी को मिला है, और स्पेशल मेंशन जो हुआ है वो अशोक राणे की सिनेमा पाड़ारा माड़ूस को मिला है। नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट कथानक वाइल्ड कर्नाटका सर डेविड एटनबोरोक को मिला है। बेस्ट एडिटिंग सेटअप सोना मूवी के लिए मिला है। बेस्ट ऑटोबायोग्राफी राधा म्यूजिकल के लिए मिला है। बेस्ट ऑन लोकेशन साउंड रिकॉर्डिंग रहस्य हिंदी में और सप्तर्षि सरकार को मिला। इसी तरीके से अन्य अवार्ड हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे बेस्ट तुलु फिल्म पिंजारा है, बेस्ट पनिया फिल्म केंजीरा है, बेस्ट खासी फिल्म लेओदा है, बेस्ट तेलुगु फिल्म जर्सी है, बेस्ट तमिल फिल्म असुरन है, बेस्ट हिंदी फिल्म छिछोरे है, बेस्ट मराठी फिल्म बारदो है, बेस्ट बंगाली फिल्म गुमनामी है। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज वाजपेयी भोसले फिल्म के लिए और धनुष को मिला है तमिल के एक्टर के तौर पर, जबकि बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी हैं और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर विजय सेतुपाठी है। तो इस तरीके से 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे। बाकी आप magicaltayari.com पर जाकर भी इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।